हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आया हूँ एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। आज मैं आपको बताऊंगा बेबी हग का 2-in-1 फोल्डेबल बेबी वॉकर कम रॉकर के बारे में, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, किस एज ग्रुप से लेकर यूज किया जाता है और बेबी के लिए ये यूज करना क्यों जरूरी रहता है, ये सभी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये बेबी हग का 2-in-1 फोल्डेबल बेबी वॉकर कम रॉकर है। एज ग्रुप की बात करें तो ये 6 मंथ से स्टार्ट होता है और 24 मंथ तक इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद बेबी खुद से चलना सीख जाता है। और वेट कैपेसिटी की बात करें तो 25 केजी इसका वेट कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग बेबी इसका यूज कर सकता है। ये देखिए, इसमें कैनोपी सिस्टम भी दिया जाता है, जैसे कहीं गार्डन में घुमाने जा रहे हैं बच्चों को तो कैनोपी लगा सकते हैं, धूप से बचाता है। इसके अलावा ये कैनोपी रिटैचेबल है, इसको रिटैच कर सकते हो। इसके साथ साथ देखिए, इसमें पुश हैंडल भी दिया गया है। 6 मंथ से बच्चा इजीली चला नहीं सकता तो उसको हल्का इसमें बैठा देंगे और पेरेंट्स उसको पुश हैंडल की सहायता से इसको पुश करेंगे तो उसको हेल्प मिलती है। नॉर्मली 6 मंथ से बच्चा सही से नहीं चला पाता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पुश हैंडल की हेल्प से इसको बाहर घुमाने जाते हैं। एक तरह का ये स्ट्रॉलर का भी काम करता है। 6 मंथ के बाद बच्चा अगर बैठता है तो पैर नहीं पहुंचते हैं, उसके लिए फुट रेस्ट दिया गया है। ये देख सकते हो, इसमें फुट रेस्ट दिया गया, बच्चा इजीली इसमें पैर रख सकता है और पेरेंट्स उसको इजीली घुमा सकते हैं। इसमें देख सकते हो, ये एक सीट दी गई है, डायपर शेप में दी गई है। बेबी जिसमें बैठता है तो बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होता है, बिल्कुल इजीली इसमें पैर आ जाते हैं और कंफर्टेबल फील होता है बेबी को। बैक सपोर्ट के लिए देखिए, कंफर्टेबल कुशन भी दिया गया है, इससे बेबी को बैक में अच्छा सा कंफर्टेबल फील हो उसको। और ये वॉशेबल है, इसको रिमूव भी कर सकते हो, निकल जाता है, ये डिटैच करके इसको वॉश कर सकते हो, इजीली इसको लगा सकते हो। बाकी इसमें देख सकते हो फंक्शंस, इसमें म्यूजिक प्लस लाइट का सिस्टम भी दिया गया है। ये जो बटन दिए रहते हैं, ये देखिए, म्यूजिक वगैरह लाइट वगैरह सिस्टम दिया गया है। और ये टॉयज वगैरह दिए गए बच्चे को एंगेज करने के लिए, ये रिंग वगैरह रहते हैं। इसमें 2 सील डलते हैं, सील को डालने के लिए इसमें यहाँ से जो 2 पॉइंट दिए रहते हैं इसको निकालना पड़ेगा। ये देखिए, ये यहाँ से आप इसको ओपन करके ये देखिए, हमने 2 नट नीचे से निकाल लिए हैं, प्लास्टिक के नट दिए रहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सील डलती है, इसको ओपन करना पड़ता है, 2 सील डलती हैं इसमें, उसके थ्रू इसमें म्यूजिक लाइट वगैरह ये चला सकते हैं। इसमें आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हैं, जैसे बच्चा इरिटेट होता है, अगर बच्चा इससे इरिटेट होता है तो इसको निकाल सकते हैं। बाकी ये फीडिंग ट्रे का भी काम करेगा, देख सकते हो आप, इसका जो शेप दिया गया है फीडिंग ट्रे का शेप दिया गया है, इसमें बच्चा इजीली फीडिंग वगैरह कर सकता है, सिपर वगैरह रख सकता है। इसमें दोनों तरफ से ये यूज हो जाएगा। इस वॉकर का 4 लेवल हाइट एडजस्टेबल हो जाता है। ये देखिए, एक पॉइंट दिया रहता है, इसको ऊपर की तरफ प्रेस करना पड़ता है। ये देखिए, इससे आप इजीली पूरा फोल्ड भी कर सकते हैं, इसको इजीली हाइट को एडजस्ट करने के लिए इजीली उठाना पड़ता है। ये देखिए, ये 4th लेवल पर आ गया है। 3rd लेवल पर लाने के लिए इसी पॉइंट को हल्का सा प्रेस करेंगे, ये देखिए, और छोड़ देंगे। ये 3rd लेवल पर आ गया है, फिर से पुश करेंगे फिर छोड़ देंगे। ये 2nd लेवल पर आ गया है, फिर से पुश करेंगे फिर छोड़ देंगे, तो ये 1st लेवल पर लास्ट में आ जाता है। ये देखिए, उसमें बच्चा उछल कूद करता है तो इसमें लगती नहीं है बच्चे को। ये देखिए, सस्पेंशन टाइप का इसमें ये पुश होता रहता है। ये देखिए, दोनों साइड सस्पेंशन टाइप का दिया रहता है, बच्चे को इजीली लगती नहीं है और पहले आके जैसे भी चल सकता है। इसमें फुट रेस्ट दिया रहता है, ये 6 मंथ से 9 मंथ तक इसको यूज़ करना होगा, इसके बाद इसको निकाल देते हैं। इसके बाद इसको निकाल दिया जाता है, जिससे बच्चा इजीली पैर रख के अपने खुद से उसको पुश करके चला सके। अगर इनकेस बच्चे के पैर नहीं आते तो लास्ट के लेवल पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी पेरेंट्स पुश हैंडल के यूज़ से, उस हैंडल की सहायता से उसको हल्का सा पुश करने में हेल्प करते हैं। ये इसके देखिए, चारों तरफ जो व्हील दिए गए हैं 360 एंगल पर कहीं पर भी मूव हो जाते हैं। ये देखिए, कहीं से भी इसको 360 एंगल पर मूव कर सकते हैं। और ये वॉकर 2-in-1 है, जैसा कि मैंने बताया था, वॉकर कम रॉकर, रॉकर में कन्वर्ट करने के लिए इसको, ये देखिए, जो 2 बटन दिए रहते हैं उन दोनों को अंदर की तरफ पुश करना पड़ता है और इजीली इसको इस टाइप से कर देंगे। सेकंड को भी इसी तरफ से, सेकंड को इसी टाइप से ही पुश करेंगे दोनों को। वो ये देखिए, दोनों हो गए, अब ये रॉकर में कन्वर्ट हो गया है, रॉकर पोजीशन में कन्वर्ट हो गया। बच्चा इजीली इसमें बैठ के रॉकर का लुत्फ उठा सकता है, एंटरटेनमेंट होता रहता है, बच्चे का एंगेज रहता है। फिर से इसे करने के लिए, वापस से वॉकर में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों पॉइंटों को फिर से दबाएंगे। ये देखिए, इजीली इसको कर देंगे, सेम इसी का दोनों को दबाएंगे, इजीली कर देंगे। इसमें जो रबड़ की ग्रिप दी रहती है, इसमें ये देखिए, रबड़ की ग्रिप दी रहती है दोनों साइड। ये देखिए, इसका मेन पर्पस ये रहता है, जब ये रॉकर पोजिशन में कन्वर्ट होता है
तो इसमें इसमें ना कोई स्क्रैच वगैरह आते हैं और ना ही ये स्लिप होता है, क्या ना फर्श पे स्लिप होने का चांस रहता है, बच्चा उछल कूद करता है रॉकर पोजिशन में तो स्लिप होने का चांस रहता है। इस वजह से इसमें रबड़ की ग्रिप दी गई है जिससे बच्चा क्या ना एक जगह फर्श पे चिपक के रह जाता है, इधर उधर ज़्यादा जाता नहीं है, इसका मेन बेनिफिट ये है। बाकी कलर ऑप्शन आप देख सकते हो बहुत ही अट्रैक्टिव दिया गया है, पैटर्न वाइज देख सकते हो, ये टॉयज वगैरह दिए हैं बच्चे के एंगेज करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए, म्यूजिक सिस्टम बाकी दिया ही रहता है इसमें, बच्चा इंग्लिश में जैसे हाथ चलाएगा तो इसलिए साउंड बजेगा तो बच्चे का एंटरटेनमेंट होता रहेगा। बच्चे का ये जो कुशन दिया रहता है, ये सीट दे रहती है बैठने को, अगर ये गंदी हो जाती है तो इसको निकालने के लिए, वॉश करने के लिए यहाँ से ऊपर की तरफ प्रेस करना पड़ता है, इजीली ये निकल जाता है। ये देखिए हल्का सा प्रेस करके ये दोनों बीच में करके ये निकल जाता है। सेम इसी तरह से इसको भी निकाल सकते हैं, इसमें जो पॉइंट दिए रहते हैं ये देखिए, ये नट दिए रहते हैं, एक नट को निकालना पड़ता है, बाकी ऊपर की तरफ करेंगे तो ये निकल जाएगा इजीली। निकाल के इसको वॉश कर सकते हैं और फिर से इसे लगा सकते हैं, ये देखिए इजीली इसको तीनों पॉइंटों को लगा देंगे, ये देखिए हल्का सा लगाएंगे अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे तो इजीली फिट हो जाएगा और बच्चा आराम से इसमें फिर से यूज कर सकता है इसको। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ, ऐसे अनबॉक्सिंग और रिव्यू के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टाइम पर मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू सो मच दोस्तों।